حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة محترم سامعین کرام, मैं इस्लाम के एक अजीम रुकन और एक अहम दीनी फरीदा पर रोशनी डालना चाहता हूँ। उम्मीद है बग़ौर आप समाप्त फरमाएंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया और इंसान को पैदा करने का मकसद बहुत ही साफ साफ लफ्जों में बयान कर दिया, जैसा कि कुरान पाक ने कहा, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम मुसलमानों को चाहिए, हम जो भी काम करें, हम इस आयत को मद्देनजर रखते हुए करें। अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो हम इस आयत को पेशे नज़र रखें, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम इस आयत को पेशे नज़र रखें, अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो हम इस आयत को पेशे नज़र रखें, अगर हम शादी ब्याह में जा रहे हैं तो हम इस आयत को पेशे नज़र रखें, ताकि हमें अपना मकसद याद रहे। इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के रजा के लिए जो भी काम किया जाए वो हर एक चीज इबादत है। अगर आप बीमार की आयादत कर रहे हैं तब भी आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अगर आप रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा रहे हैं तब भी आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अगर आप कारोबार में सही नाप तोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तब भी आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अगर आप गुनाहों से बच रहे हैं तब भी आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मोहतरम साथियों, जैसा कि मालूम होगा कि इस्लाम की बुनियाद पांच सुतूनों पर कायम है, उन्हीं पांच सुतूनों में से एक बुनियादी सुतून नमाज का है। हदीस में आता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। इस इबादत के जरिए बंदा अपने रब के करीब हो जाता है, बल्कि अपने रब से सरगोशी करने की सआदत हासिल करता है। और तअब्दुल्लाह का अन्नका तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराका रूहानी मौका नसीब होता है। एक ही सफ में पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से अमीर व गरीब और आका व गुलाम का तफावत मिट जाता है। क्या खूब कहा है शायर ने, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, नीज हर तरह की बुराइयों से दिल पाक हो जाता है। और इन सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर की तस्वीर साफ तौर पर नुमाया हो जाती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा इस फरीदा की अदायगी का एहतमाम किया। अभी नमाज फर्द भी नहीं हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हालतों में नमाज में मशगूल रहते। हर तरफ कुफार की अदियतों का खतरा है, फिर भी खाने काबा में नमाज जारी है। बारगाह इलाही में बाअदब खड़े हैं, जबीने नियाज खम है, रब के हुदूर सरब सजूद है, पीठ पर ओजड़ी डाल दी जाती है, फिर भी नमाज से नहीं रुकते। और मर्दुल मौत का जरा हाल सुन लीजिए, सही तौर पर असाब काम नहीं कर रहे हैं, खुद इसे चलकर मस्जिद में आने तक की ताकत जिस्म में मौजूद नहीं है। हजरत अब्बास और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुमा के कंधों का सहारा लिए हुए मस्जिद में आ रहे हैं, फिर भी नमाज का ख्याल है। इतना एहतमाम कि मैदान कारजार में है, दुश्मन खून के प्यासे हैं, तलवारें चल रही हैं, उस अर्श की तरफ से हुक्म आता है, वइदा कुंत फीहिम फअक़िमत लहुमुस सलाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान जंग में भी नमाज माफ नहीं है, वक्त हो चुका है, उठिए और जमात कायम कीजिए।
इधर से जवाब में क्या जाता है, ए अल्लाह दुश्मन सामने खून के प्यासे हैं, अगर नमाज शुरू कर दी तो खत्म भी ना होगी, खुद खत्म हो जाएंगे, आखिर इस हालत में कैसे जमात कायम हो सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी अहकमीन की जानिब से तदबीर भी बताई जाती है कि एक जमात दुश्मन के मुकाबले में डटी रहे और एक जमात नमाज कायम करे। नमाज खत्म करके फिर ये दुश्मन के मुकाबले के लिए चले जाए और उनको नमाज के लिए भेज दे, क्योंकि ऐसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं है। अल्लामा अकबर ने क्या खूब ही तर्जुमानी की है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज क़िबल रूहों के ज़मीबों से हुई कौम हिजाज। मिल्लत इस्लामिया के पास बानो दूसरे अरकान तो किसी ना किसी उद्र की वजह से माफ हैं, लेकिन नमाज किसी सूरत में भी माफ नहीं। खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते, लेटे लेटे पढ़ ले, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ ले। जब तक कि होशो हवास बाकी है नमाज माफ नहीं, इसलिए कि जिसका होशो हवास उस तक बाकी ना रहे उसका मौजूद रहना और ना रहना बराबर है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने भी इस फरीदा की अदायगी में ऐसे ऐसे नमूने पेश किए जिन्हें सुनकर भी दिल लरस जाता है और हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, दुश्मनों की तरफ से तीर आता है, जिस्म में पेवस्त हो जाता है, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, फिर भी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की याद में डूबे हुए हैं, तकलीफ के बावजूद नमाज से हटना गवारा नहीं। और आज हमारी हालत यह है कि मच्छर काटे या कोई चींटी काटे फौरन हमारा ध्यान नमाज से हट जाता है। हमें नमाज के औकात और जमात का कोई पासो लिहाज नहीं, कभी दो वक्त पढ़ ली तीन वक्त की गायब, कभी तीन वक्त पढ़ ली दो वक्त की गायब, कभी पूरे दिन की नमाजें गायब कर देते हैं। और बाद मुसलमान भाई तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ जुमा जुमा ही मस्जिद का दीदार होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज ये हाल है हमारे मुआशरे का। आज आप लोगों से मैं एक सादा उसूल बयान कर रहा हूँ। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान फर्क करने के लिए एक उसूल बनाया हुआ था। इशा और फज्र की नमाजों में हम बगौर देखते कि कौन शख्स जमात से गायब है, जो गायब होता हम समझ जाते कि ये मोमिन नहीं मुनाफिक है, क्योंकि दरबार रिसालत से हमें ये फर्क बताया गया था कि अफ़क़लुस्सलातु अलल मुनाफिकीन अल-इशा वल-फज्र। मुनाफिकीन पर तमाम नमाजों में सबसे भारी नमाज इशा और फज्र की नमाज है। मोहतरम साथियों, सिर्फ जमात से पीछे रह जाने की वजह से सहाबा किराम को ऐसे शख्स के बारे में निफाक का शुबा हो जाता, इसलिए कि उनके हर वक्त ये ख्याल में रहता था कि कोई मुसलमान होते हुए भी नमाज छोड़ सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी उनके सामने था। बैन अल अब्द व बैन अल कुफ्र तर्कुस्सलाह। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क की चीज नमाज का छोड़ना है। मोहतरम साथियों, जिसने नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया, और इसके बगैर नजात मुमकिन नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ते और उखरवी नजात की उम्मीद लगाए हुए हैं वो खाम ख्याली में मुब्तला है। कुरान पाक में कहीं भी ये बात नहीं की गई कि सिर्फ ईमान ही इंसान की नजात के लिए काफी है, बल्कि उसके बरअक्स ये बयान हुआ है कि जब जहन्नमी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में फेंकवा दिया है। इनका जो जवाब होगा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको नकल कर रहा है, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजी नहीं थे, हम जहन्नम में इसलिए चले आए कि नमाज नहीं पढ़ते थे या इकामत सलाह के पाबंद नहीं थे। मुअज्जिन हय्या लस्सलाह हय्या लिल्फलाह की आवाज लगाता हम मस्जिदों से दूर भागते थे। मालूम है मुअज्जिन की आवाज और मस्जिदों से कौन भागता है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शैतान के कानों में मुअज्जिन की आवाज टकराती है तो उस पर ये कलिमात इतने सकील होते हैं कि वो हवा खारिज करते हुए इतनी दूर निकल जाना चाहता है जहाँ उसके कानों में मुअज्जिन की आवाज न पड़े। मालूम हुआ, अजान के वक्त मस्जिदों से दूर भागना मोमिन का नहीं बल्कि शैतान का काम है। अहतरम साथियों, आज मस्जिदों में अजान तो हो जाती है, रोजमर्रा के चंद गिने चुने मुसल्ली ही मौजूद हैं। मस्जिदें मुसल्लियों पे मातम कर रही हैं, मर्सिया पढ़ रही हैं। सच कहा है अल्लामा इकबाल ने, मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाब हिजाजी न रहे। मस्जिद की बिल्डिंगें बुलंद से बुलंद तर होती जा रही हैं, लेकिन उसको आबाद करने वाले मौजूद नहीं। एक वो जमाना था कि मस्जिदें मुसल्लियों की कसरत की वजह से तंगी दामा का शिकवा करती, आज आलीशान मस्जिदों में चिराग लेकर ढूंढने पर भी मुसल्ली नहीं मिलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों की ऐसी बेहुर्मती को कयामत की निशानी बताया है, क्योंकि बंदाए खुदा की तो सिफत यह होनी चाहिए कि उसका दिल मस्जिद में लटका रहे, एक नमाज पढ़ी दूसरी नमाज का इंतजार रहे। आपको मालूम होगा कि कल कयामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो यही नमाज होगी। हदीस में आता है कि बंदाए मोमिन को जब कब्र में दफनाया जाता है तो फरिश्ते आते हैं, उसे बेदार करते हैं। बेदार होते ही उसके सामने उस वक्त उस तरह का वक्त पेश किया जाता है गोया असर का वक्त खत्म हो रहा है। ये नमाजी बंदा जिसने जिंदगी भर मस्जिदों में हाजिरी दी, जिसने नमाज की पाबंदी की, ये उठेगा और कहेगा, छोड़ो छोड़ो मुझे नमाज पढ़ने दो, मेरी नमाज बाकी है, वक्त निकलता जा रहा है, तुम्हें जो कुछ कहना है नमाज के बाद कहना। उसके ये अल्फाज सुनकर फरिश्ते उसे इसी तरह लिटा कर चले जाते हैं जिस तरह नई नवेली दुल्हन को उसके रिश्तेदार लिटा कर चले जाते हैं। आखिर ये कौन कहेगा? ये वही शख्स कहेगा जिसने अपनी जिंदगी में पंज वक्ता नमाजों की फिक्र की होगी, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा होगा। अजीज सामाईन किराम, क्यों हम नमाज नहीं पढ़ते? जिस नबी के आखिरी कलिमात थे, ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, जिस नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, क्यों हम नमाज नहीं पढ़ते? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।